पानी छुटने की बजाय तुम मोबाइल ही सुटता है मुझे अब शक पड़ रहा है टिशू कहाँ जाते हैं सरफराज कहता ना कि कोई लाइट सी चीज खाने को दे दो अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं तबीयत से ठीक ठाक है हंसते रहो वास्ते रहो खुश रहो आबाद रहो एनिया दुआवां तुहानू मेरे अलावा कोई देंदा है मैनू दसो देंदा जिते दसो चैनल को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो गाइस यही है कि आज हम जरा थोड़ी सी गपशप लगाएंगे प्रोफेसर के साथ तो आए चलते हैं आपको प्रोफेसर के पास लेके जी प्रोफेसर साहब हलवा निमको खान डे मनी हाय सस्ती टीम को बजट काट सी सलवा हाइस्ट हाँ सलवा हाइस्ट तो क्या टेस्ट है इसका नहीं मैं बोल लूँ आप बताएं क्या टेस्ट है इसका मजेदार है अच्छा सा है तो इसको खाने के बाद पेट में दर्द तो नहीं होती नहीं पहले होती तड़ा पेट भी है क्या नहीं वैसे वाह वहाँ तरा शैल चुक के वहाओ ले गाइस हमारे पास एक ताजा ताजा न्यूज आई है एक नई टर्मिनोलॉजी आई है हेड हर्टिंग ये हमारे पास प्रोफेसर साहब बैठे हैं इनसे पूछते हैं कि ये हेड हर्टिंग क्या है जी प्रोफेसर साहब ये हाल है बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसे हैं मैं अल्लाह का एहसान आप सुनाएं क्या चल रहा है अल्लाह ठीक ठाक अच्छा ये है हार्ट हर्ट है ये बड़ी अच्छी बात कही आप हेड हर्टिंग वाला सीन जो है ना वो ये है कि सुबह मैं अभी उठा ही था सो के ऑफिस आने के लिए तैयार हो रहा था तो मुझे ना एक एक्चुअली आई वाज इन वॉशरूम आप वॉशरूम में मोबाइल के यूज कर रहे थे यार वो टाइम मैनेजमेंट तो कभी इस तरह नहीं हुआ कि भाई मोबाइल जो है वो गलती से फ्लश कर दिया हो हाँ वो एक दफा ऐसा इंसिडेंट हुआ था ना दुबई में वो पानी छुटने की बजाय तुम मोबाइल ही छुटता है नहीं, कुछ यादें याद लगता ताजा हो गई आपकी मेरे में जुलकर नैन जैसी आदतें नहीं है जुलकर के नैन तो वो मुझे सुबह मैसेज करता है डिजाइनर के सर मैं आज नहीं आ सकता आई उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे एक मिनट आ रहा मैं ना एग्जैक्ट पढ़ के सुनाता हूँ अच्छा 2000 years later हेड हर्टिंग ही था मेरा ख्याल है नहीं था उसकी एक पूरी लाइन थी वो लाइन ढूंढो कहता है जी आई कांट कम टू द ऑफिस टुडे कोमा माय हेड इज हर्टिंग इसका मतलब समझाए हमें सिर पीड़ हो रहा है मैंने कहा लोगों के दिल हर्ट होते हैं आपका हेड हर्ट हुआ है तो गाइस इनके साथ ना एक वो करते हैं देखते हैं कि इनका रिएक्शन क्या होता है और आजकल नहीं गल नहीं बनी नहीं गल नहीं बनी उस आजकल और आसान भैया क्या लेने आए हो इधर यार टिशू हमारे पास टिशू यार एक बॉक्स है यार तू टिशू अपनी जेब में रखा था टेबल पे है और किसी भी बंदे की टेबल पे सिर्फ एक टिशू ये टिशू ये सरफराज तो नहीं कर ले जाता टिशू वो कहता ना मिनट बाद मुझे अब शक पड़ रहा है टिशू कहाँ जाते हैं सरफराज कहाँ गया